चेक शादी की पुस्तक गुलिस्ता पहला अध्याय 36वीं कहानी बदस्त आ की तप्ता कैन खमीर वे अज दस्त वर सिना पेशे अमीर अर्थात अमीरों के उन सेवकों से जो सदा उनके सामने हाथ बांधे खड़े रहते हैं वे मजदूर अच्छे हैं जिनके हाथ चुने में सने रहते हैं मतलब मजदूरों से हैं। दो भाई थे उनमें से एक बादशाह की नौकरी करता था और दूसरा मेहनत मजदूरी करके अपने जीविका उपार्जन किया करता था। एक दफा अमीर भाई ने अपने गरीब भाई से कहा, तुम बादशाह की नौकरी क्यों नहीं करते कि जिससे इतनी मेहनत और तकलीफों से छुटकारा पा जाओ। उसने जवाब दिया, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते जो गुलामी से छुटकारा पा जाओ। महात्मा ने कहा है कि मेहनत से कमा कर रोटी खाना और आराम से बैठना अच्छा है, किंतु सोने का कमरबंद पहनकर दावेदारी के लिए खड़ा रहना अच्छा नहीं। अमीर की सेवा में हाथों को छाती पर रखे रहने की अपेक्षा उनसे चुनावरी तैयार करने का काम लेना अच्छा है। यह अमूल्य जीवन इन्हीं बातों की चिंताओं में बिता जाता है कि गर्मी के मौसम में क्या खाऊंगा और जाड़े में क्या पहनूंगा। हे नीच पेट, एक ही रोटी में संतोष कर ले कि जिससे तुझे गुलामी में पीठ न झुकानी पड़े। शिक्षा। इस कहानी का सारांश यह है कि आजादी में रहना और मोटा जोटा खाना अच्छा है, किंतु गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहकर सोना लादना अच्छा नहीं है। स्वतंत्रता पूर्वक परिश्रम करके रोटी कमाना और पर्ण कुटी में रहना अच्छा, किंतु पराई दावेदारी करके महलों में रहना और सब तरह के ऐशो आराम करना भला नहीं है। सोने के पिंजरे में कैद होकर मोती चूकने वाली चिड़िया से जंगल में आजादी से घूम फिर कर अपनी जीविकोपार्जन करने वाली चिड़िया हजार दर्जे अच्छी है। श्रीमान पंडित महावीर प्रसाद जी द्विवेदी लिखते हैं, चाहे कुटी अति घने वन में बनावे, चाहे नमक बिना कुत्सित अन्न खावे, चाहे कभी नर नए पट भी न पावे, सेवा प्रभु पर न तू पर की करावे। कहानी समाप्त।